और सबसे पहले आपको बताऊं कि रेहम खान को एक और सदमा पहुंचा। रेहम खान को सदमा यह पहुंचा कि उनके साबिक से साबिक शौहर डॉक्टर एजाज ने उनके खिलाफ एक और हर्जाने का नोटिस भेज दिया उनको, जो आज डॉक्टर एजाज के वकील बैरिस्टर राशिद असलम ने उनको पहुंचवाया। रेहम खान पे उन्होंने इल्ज़ाम लगाए कि मिस्टर एजाज खान की निजी और पब्लिक मालूमात, खसूसन उनका मोबाइल नंबर और पर्सनल ईमेल एड्रेस को बग़ैर इजाज़त इंटरनेट पे आम किया, जिसकी वजह से डॉक्टर एजाज जो हैं वो शदीद जहनीत का शिकार हुए और मिस्टर एजाज से मुतलिक ऐसी मालूमात का रेहम खान और इनके साथियों की तरफ से बग़ैर इजाज़त आम करना अखलाकियात और राजदारी के मेयार के ख़िलाफ़ है और किसी किस्म का काबिल ज़िक्र सबूत और हतक आमेज़ इल्ज़ाम जो रेहम खान के वकील ने लगाए हैं वो ये डेफेमेशन एक्ट 2013 के सेक्शन 1 के तहत खुद रेहम खान की शोहरत के लिए बहुत ही नुकसानदेह हैं। बैरिस्टर राशिद आज हमारे साथ मौजूद होंगे।